नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम बैक फायर सेफ्टी क्लासेस। देखिए, आप लाइक करना नहीं चाहते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक एफएससी जॉब सेक्शन फायर सेफ्टी क्लासेस। दोस्तों, मैं हूं रणवीर सिंह और मैं आ गया हूं देखिए फिर एक अपडेट के साथ। देखिए, अपडेट राजस्थान के अंदर सबसे जो तेज जो मुद्दे चल रहे हैं वो या तो एसआई भर्ती को रद्द कराने का हो, या फिर दूसरा मुद्दा है जो 26 सितंबर को रीट एग्जाम होने वाला है उसको लेकर, और राजस्थान के अंदर जो नकलची जो चल रहे हैं, नकल गिरोह जो सक्रिय हैं, इनके खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, उन सबको लेकर। तो देखिये, यहां पर शिक्षा मंत्री का एक ट्वीट सामने आया, उसमें क्या है, मुख्यमंत्री से उनकी वार्ता हुई, वार्ता के बाद देखिये यहां पर क्या चीज निकल कर आई है, उस पर हम बात करने वाले हैं रीट एग्जाम को लेकर और आने वाले आगामी एग्जाम इससे जुड़े हुए हैं। तो देखिये, यहां पर बात करेंगे कि इनका ट्वीट है, उसमें कहा गया कि आज रीट परीक्षा को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में नकल में सहभागिता पाए जाने पर सरकारी कार्मिक, मतलब सरकारी कर्मचारी अगर यहां पर लिप्त पाए जाते हैं तो उनको राजकीय सेवा से क्या किया जाएगा, बर्खास्त किया जाएगा, राजकीय सेवा से उनको हटा दिया जाएगा। जो भी सरकारी कर्मचारी भर्ती एग्जाम के अंदर कहीं भी नकल कराते हुए या इस तरह के किसी भी प्रकरण में कहीं भी मिलते हैं, तो देखिए फिर आगे चलते हैं, या कोई प्राइवेट कर्मचारी हो या कोई संस्थान हो, संस्थान का कोई भी प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन जो भी कर्मचारी हो वहां के, तो उस संस्थान की मान्यता को यहां पर देखिए वापस लिया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। ऐसा देखिए यहां पर राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने यहां पर ऐसा जो वादा किया है, इन्होंने अपनी मांगें जो रखी थी उन मांगों को लेकर। अभी देखिए इसमें पूरी तरह से कानून बनना बाकी है, अभी इस पर देखिए जो चर्चाएं चल रही थी, अभ्यर्थी जो मांग कर रहे थे उस मांग को कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने माना है कि भाई नकलचियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नकल में प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी जो भी लिप्त पाए जाते हैं उनकी नौकरी से उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए, इसके लिए अलग से कानून बनना चाहिए। अभी देखिए इस प्रस्ताव को यहां पर मंजूरी दी गई है, जो प्रस्ताव इन्होंने समीक्षा बैठक में पेश किया था, तो यहां पर देखिए शिक्षा मंत्री को यहां पर मंजूरी दी गई है कि इस तरह के प्रस्ताव को लेकर के मुख्यमंत्री की तरफ से। आगे देखिए इसमें कानून बनना बाकी है और उसके बाद इस पूरे को अमली जामा पहनाना बाकी है ताकि राजस्थान के अंदर जो हो रही परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में कहीं ना कहीं कोई फर्जीवाड़ा या कोई नकल इस तरह का कोई प्रकरण पाया जाता है तो उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके, और ये बेरोजगार जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनके भविष्य को देखते हुए जो इतनी मेहनत करके परीक्षा देते हैं, दो दो साल, तीन तीन साल, चार चार साल लगातार पढ़ाई करते हैं, उसके बाद वो इस परीक्षा को देते हैं और उस परीक्षा में कहीं ना कहीं इस तरह के नकल गिरोह सक्रिय हो जाए तो उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो देखिए कहीं ना कहीं यहां पर युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है, बेरोजगार साथियों के लिए अच्छी खबर है, जो उनकी जो मेहनत थी वो रंग ला रही थी, तो उस मेहनत का ही जो ये असर है कि आज सरकार जागी है। और सरकार को जगाने के लिए देखिए हमने लगातार वीडियो बनाए हमारे प्लेटफॉर्म यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जागो युवा जागो आंदोलन के तहत, और आप सभी लोगों का इसमें समर्थन रहा है कि आपने भी वीडियो को लगातार शेयर किया और देखिए आपने वीडियो को लगातार देखा और आपके कमेंट्स भी हमें पढ़ने को मिले, और बहुत सारे युवा साथियों ने देखिए इस पूरे मामले को लेकर सक्रियता दिखाई थी जो कि बहुत ही जरूरी थी। ठीक है, आज की इस अपडेट में देखिए इतना ही, और देखिए रीट परीक्षार्थियों के लिए राजस्थान सरकार की पूरी व्यवस्था यहां पर चल रही है कि रीट परीक्षा को बहुत ही अच्छी तरह से और शांतिपूर्ण तरीके से नकलचियों से, फर्जीवाड़े जो कर रहे हैं लोग या नकल गिरोह से बचाकर कैसे भी कराया जाए, क्योंकि ये राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा है। फिर आते हैं देखिए अपडेट के लिए, आज की बस इतना ही, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी है दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। फिर आता हूं एक भर्ती विज्ञापन के साथ, अपडेट के साथ, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।